News 18, India. बुलाया है क्या कहेंगे सर, इधर सर लाइट जला दीजिए, थोड़ा लाइट अंदर की लाइट। मैंने जला दी लाइट जी। और किस तरीके से अपील करेंगे सर? सर आज आपने किसानों से अपील की है पांचवें दौर की बातचीत के लिए, इस अपील में किस तरीके से आप क्या आगे बढ़ेंगे एमएसपी की गारंटी को लेकर के जो बातचीत की जा रही है? देखिए जो भी विषय है उन सारे विषयों पर, चाहे वो एमएसपी का हो, चाहे क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन का हो, चाहे पराली का हो, चाहे एफआईआर का हो, ऐसे जितने भी विषय हैं सब पर हम चर्चा करने के लिए तैयार हैं। सभी विषयों पर, सभी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए तैयार हैं, क्योंकि चर्चा के माध्यम से ही हम किसी समाधान तक पहुंच सकते हैं। चर्चा हो इसके लिए मैंने आमंत्रित किया है और निवेदन किया है कि शांति बनाए रखे, संयमित ढंग से हम इसका हल निकालें और सबके लिए बेहतर कैसे हो ये हम सुनिश्चित करें। सर आपने जो 5 साल के एमएसपी की गारंटी की बात कही है लेकिन उस पर वो लोग तैयार नहीं हो रहे हैं, किसान लोग तो क्या अलग से बातचीत करेंगे? कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा को आप सुन रहे थे, जो बात उन्होंने ट्वीट पर लिखी है वही बात वो मीडिया कर्मियों के सामने रख रहे थे। उन्होंने कहा देखिए हम हर चीज के लिए तैयार है, बातचीत के लिए तैयार है, हम क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन से लेकर एफआईआर से लेकर पराली से लेकर एमएसपी वाले मसले तक जितनी भी किसानों की परेशानियां हैं उस पर बातचीत करने को तैयार हैं, बातचीत से ही हल निकलेगा। दूसरी तरफ किसान नेता इंतजार कर रहे हैं, कह रहे हैं आधिकारिक तौर पर हमारे पास कोई जानकारी नहीं आई है, शंभू बॉर्डर पर वो डटे हुए हैं, शंभू बॉर्डर पर बाकायदा पुलिस जो है वो भी पूरी तैयारी के साथ डटी हुई है। और इस बीच बड़ी खबर, अगर अभी अभी आप न्यूज 18 इंडिया के साथ जुड़े हैं तो हरियाणा सरकार ने ये डिसाइड कर लिया है कि वो सुप्रीम कोर्ट जाने वाले हैं। मानव हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जरा उनका रुख करते हैं और बाकी तमाम मेरे सहयोगी अलग अलग बॉर्डर्स पर मौजूद हैं। अभी हालात वहां पर मानव कैसे हैं, क्योंकि लगभग 11 बजे 10:58 पर आंसू गैस के गोले दागे गए थे, उसके बाद सिचुएशन अंडर कंट्रोल? बिल्कुल, देखिए 10:58 पर करीब 7 से 8 आंसू गैस के गोले दागे गए थे क्योंकि वो समय दिल्ली कूच का एक मुकर्रर था, तो किसानों ने जोश में नारेबाजी की उसके बाद आगे बढ़े। लेकिन अब मैं देख पा रहा हूँ कि कुछ पतंगें यहाँ पर उड़ाई गई हैं और पतंग उड़ाने का आप उसके पीछे मकसद भी समझ लीजिए, क्योंकि हमने देखा कि जब ड्रोन उधर से उड़ाया जाता है तो ड्रोन को अपनी पतंग में फंसाने के लिए यहाँ पर किसान पतंग लेकर आते हैं, तो एक बार फिर से पतंग यहाँ उड़ाई जा रही है। लेकिन फिलहाल यहाँ पर एक तरीके से हिंसा नहीं हो रही है, संबोधन यहाँ पर जरूर चल रहे हैं, ना ही दोनों ही ओर से एक लाइन खींची हुई है उस पर किसान टिके हुए हैं और दूसरी पार हरियाणा पुलिस के लोग टिके हुए हैं। लेकिन रूबिका, मैं आपको एक बात जरूर बता दूँ, यहाँ पर जो भीड़ इकट्ठा है उसको मैनेज करना दोनों नेताओं के लिए बहुत चुनौतीपूर्ण है, और जब बैठक का ऐलान हो गया है ऐसे में इनको यहाँ से ये कहकर भी मनाना कि अब चलिए वापस चलते हैं क्योंकि अब बैठक होनी है शाम को, ये भी अपने आप में बड़ा चैलेंज दोनों किसान नेताओं के सामने होगा, क्योंकि जो मैं समझ पा रहा हूँ, जो मैं भाप पा रहा हूँ वो मैं यहाँ पर बोल पा रहा हूँ, और वो बड़ा चैलेंजिंग यहाँ पर दोनों नेताओं के लिए होने वाला है, क्योंकि जिस तरीके से यहाँ पर तैयारी की गई है वो अपने आप में हैरान करने वाली है। साथ ही किसान ये भी कहते हैं कि तैयारी करने की हमारी मजबूरी ये है कि सरकार हमारी मांग नहीं मान रही, इसलिए हम ये सारी तैयारी पोकलेन मशीनें, जेसीबी मशीनें यहाँ पर लेकर पहुंचे हुए हैं। थोड़ी देर के बाद ही यहाँ पर किसान नेताओं की तरफ स्पष्ट हो जाएगा कि वो शाम को बैठक के लिए जाएंगे या नहीं जाएंगे, लेकिन जिस तरीके से मेरी उनसे बात हुई, जब मेरी बात हुई तो उससे लगता है कि बातचीत करने के लिए किसान भी आतुर है, किसान नेता भी आतुर है, और जब उनको जानकारी मिलेगी तो वो ठीक शाम को बात करने के लिए चंडीगढ़ यहाँ से जरूर जाएंगे। रूबिका, अब वहां पर आप कह रहे हैं पतंग उड़ाई जा रही है, पतंग इसलिए उड़ाई जा रही है क्योंकि वहां जो ड्रोन हरियाणा सरकार की तरफ से उड़ाए जा रहे हैं उसको किसी तरीके से नीचे जमीन पर लाया जाए, लेकिन क्या जैसा आपने कहा कि स्थिति अभी अंडर कंट्रोल है, वो तो उस वक्त क्योंकि वक्त मुकर्रर था तो कुछ किसान नेता जो है जोश में आ गए और उन्होंने वहां पर दिल्ली कूच करने की कोशिश की है, लेकिन ये भी कहा गया है कि महिलाओं को, बच्चों को, उन तमाम लोगों को जो 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 थोड़ा सेंसिटिव है उनको 1-1 किलोमीटर पहले ही रोक दिया गया है। अब मेरा सवाल मानव ये है कि क्या यातायात आवाजाही को लेकर वहां लोग गुस्से में हैं
के असुविधा को लेकर वो कह रहे हैं कि नहीं चलेगा, किसान आंदोलन कर रहे हैं, हम उनके साथ हैं। किस तरीके के स्टेटमेंट्स सुनने को मिल रहे हैं आपको? देखिए, सड़क जाम करने को लेकर बहुत मिली जुली राय है। जिस जगह पर ये आंदोलन चल रहा है वो सीमा पंजाब की है, वो पंजाब का हिस्सा है। और सरवण सिंह पंडेर खुद ही ये बात बता रहे थे कि आसपास के गांवों से यहां पर बकायदा खाना पहुंचाया जा रहा है, यानी आसपास के गांवों से किसान आंदोलन को समर्थन यहाँ पर मिल रहा है। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी है जो कह रहे हैं कि सड़क जाम होने से हमको बहुत लंबा फेर करीब 100 किलोमीटर का मारना पड़ता है आगे दिल्ली की तरफ जाने के लिए, तो लोगों को परेशानी भी हो रही है। लेकिन जब हम ये सवाल करते हैं कि सड़क जाम करना किसी समस्या का हल नहीं है, तो किसान नेता और किसान ये कहते हैं कि सड़कें हमने जाम नहीं की है, सड़कें तो हरियाणा पुलिस और हरियाणा सरकार ने जाम की है, हम तो शांतिपूर्ण तरीके से दिल्ली जाना चाहते हैं। और उस और अब दिल्ली कैसे जाएंगे उसके लिए बकायदा ट्रैक्टर ट्रॉलियों की लंबी कतार है, उसको लेकर हाईकोर्ट ने बकायदा यह कह दिया है कि ट्रैक्टर को आप इस तरीके से सड़क पर लेकर आएंगे तो माहौल खराब होगा और बकायदा मोटर व्हीकल एक्ट के उसका उल्लंघन भी होगा, तो प्लीज आप इसको वहां से हटाइए। पंजाब सरकार को निर्देश भी वहां से दिए गए थे, उसके बाद देर रात एक निर्देश डीजीपी की तरफ से यह आया है कि बड़ी मशीनें यहां पर और ना लाई जाए, जो आ चुकी है पहले वो आ चुकी है, लेकिन और ज्यादा उन मशीनों की तादाद यहां पर ना बढ़ाई जाए। किसान नेताओं की तरफ से यह कहा गया कि हम उन मशीनों को इस्तेमाल नहीं करेंगे, जो आ गया वो यही रहेगा, हम अपनी तरफ से कोई प्रहार नहीं करेंगे। इस शब्द का इस्तेमाल प्रेस कॉन्फ्रेंस में सुबह किसान नेताओं ने कहा था कि पहला प्रहार हमारा नहीं होगा, और युवाओं से भी कहा था कि आप शपथ लीजिए, आप कसम खाइए कि आप हिंसा नहीं करेंगे। लेकिन वो डर जो सरकार के सामने है, किसान नेताओं के सामने, वो डर ये है कि किसान नेता भी ये कहते हैं कि भीड़ में कुछ लोग ऐसे भी आते हैं जो माहौल खराब करना चाहते हैं, जो लोगों को, सरकार को, बाकी समाज में एक टकराव की स्थिति पैदा करना चाहते हैं, उन लोगों से सभी को बचना है। ये अपील सरकार की तरफ से भी की गई है, ये अपील किसान नेताओं की तरफ से की गई है, पंजाब हरियाणा दोनों ही सरकारों की तरफ से ये अपील लगातार की जा रही है, शुरुआत से की जा रही है। 13 तारीख को जो हिंसा हुई थी उसके मुकाबले आज यहाँ पर भीड़ कई गुना ज्यादा है, लेकिन अभी पूरा माहौल यहाँ पर शांतिपूर्ण जरूर बना हुआ है। और हमारी भी एक तरीके से हम जो देख पा रहे हैं वो यहाँ पर कोशिश यही है कि हम नेताओं से यहाँ पर बात कर सकें और समझ सकें, क्योंकि यहाँ पर इस भीड़ को समझाना उनके लिए बहुत बड़ी चुनौती है। अगर बैठक शाम को होनी है तो उनको बैठक में जाना चाहिए, क्योंकि अर्जुन मुंडा लगातार उनसे बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं। चारों बैठकों में किसान नेता भी वहाँ पर पहुंचे, बहुत ही पॉजिटिव रूप से वहाँ पर बातचीत हुई, चाहे पंजाब की सरकार हो, चाहे केंद्र सरकार हो, या फिर किसान नेता हो। लेकिन ये माहौल एक तरीके से गर्म तब हुआ जब चौथी बैठक में ये कह दिया गया, युगल आप तस्वीरें दिखाते रहिएगा, ये चौथी बैठक में जब ये कह दिया गया कि 5 फसलों पर सरकार MSP गारंटी देगी, तो किसान नेताओं ने कहा कि इतने खर्चे में तो आप सभी फसलों पर MSP गारंटी दे सकते हैं, तो ये गतिरोध उस समय बना और अभी गतिरोध लगातार बना हुआ। शायद अब जब बैठक होनी है शाम को तो ये गतिरोध खत्म होने की संभावना भी लग रही है, क्योंकि मुझे लगता है कि सरकार मानव ये कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा की तरफ से तो कह दिया है कि मैं आमंत्रित करता हूँ, लेकिन उस निमंत्रण को स्वीकार किया कि नहीं, सारा सस्पेंस तो उसी पर बरकरार है ना, क्योंकि वहां पर पंकज अपने साथी भी मौजूद है, बिल्कुल बहुत नजदीक में मौजूद है उन तमाम किसान नेताओं के, लेकिन वो ये कह रहे हैं कि हमारे पास कोई आधिकारिक जानकारी आई नहीं है, और जब आई नहीं है तो कैसे पता चलेगा कि हमें जाना है कहीं, कि बातचीत करनी है कि नहीं करनी है। रूबिका, देखिए अब से करीब 1 घंटे पहले करीब 9:30 के आसपास एक पंजाब पुलिस के अधिकारी यहाँ पर पहुंचे थे, उन्होंने किसान नेताओं को अकेले में ले जाके बातचीत की, उन्होंने क्या बातचीत की इसकी जानकारी जब हमने पूछा तो दोनों ही ओर से हमें नहीं दी गई है। मुझे लगता है कि शायद उसी समय पर यह संदेश उन तक पहुंचाया गया था, मैं इस बात की पुष्टि कर पाऊंगा, लेकिन अभी फिलहाल हमें लगता है कि किसान नेताओं के बयान का हमें इंतजार है, क्योंकि देखिए एक्स के ऊपर, ट्विटर के ऊपर कृषि मंत्री ने साफ तौर पर लिख दिया है बातचीत होनी है, और यहाँ पर एक तरीके से कम्युनिकेशन इतना खराब भी नहीं है कि किसान नेताओं तक ये बात ना पहुंचे, क्योंकि पूरे देश का मीडिया यहाँ पर जमा हुआ है, उन तक ये बात पहुंचाई गई है। अब आधिकारिक तौर पर वो किस फोन कॉल का इंतजार कर रहे हैं ये भी हमें समझने की कोशिश है, और क्योंकि मुझे लगता है कि किसान नेता बातचीत करना जरूर चाहेंगे, क्योंकि जो बयान उन्होंने सुबह मीडिया में दिए हैं उसमें तो यही झलकता है कि वो बातचीत करने को आतुर है, क्योंकि उनके ऊपर भी दबाव ये है कि अगर यहाँ पर माहौल खराब हुआ तो सवालों के घेरे में किसान नेता भी होंगे, सरकार भी होगी, और वो तमाम लोग होंगे जो इस पूरे आंदोलन को लीड कर रहे हैं। तो ऐसे में सरकार और किसान नेताओं की बैठक शाम को होगी, और मुझे लगता है कि किसान नेता वहां पर पहुंचेंगे, और अभी हम अब से थोड़ी देर में हम किसान नेताओं के पास जाकर बातचीत करने की ये कोशिश भी करेंगे कि आप क्या सोच रहे हैं, क्योंकि देश के कृषि मंत्री ने खुद आकर मीडिया में बयान दिया है, एक्स पर लिखा है कि हम एक और मौके, एक और बातचीत करने के लिए तैयार हैं, आइए बातचीत करते हैं, क्योंकि हिंसा किसी भी समस्या का समाधान नहीं है, और यही संदेश लगातार सरकार भी दे रही है,
किसान नेता भी दे रहे हैं, लेकिन एक गतिरोध ऐसा बन गया है जिसको खत्म करना बहुत जरूरी है, क्योंकि जो चीजें यहाँ पर हम देख रहे हैं वो कहीं ना कहीं डराने वाली हैं। जो लोग यहाँ पर हैं तो उस लोगों की आड़ में, किसानों की आड़ में कुछ लोग अपने खराब मंसूबे लेकर भी यहाँ पहुंच सकते हैं, तो उस चीज को समझना बहुत जरूरी है, चाहे वो किसान नेता हो, चाहे पुलिस हो, चाहे हरियाणा पंजाब की सरकार है। लगता है मानव वो तमाम बड़े जो चेहरे हैं, चाहे वो जगजीत सिंह डल्लेवाल हो, चाहे वो सरवन सिंह पंडेर हो, उनको ये बात समझ में आ रही होगी कि पिछली बार जो चेहरे थे उनको बहुत जो है आलोचना का सामना करना पड़ गया था, क्योंकि हालात इतने बेकाबू हो गए थे कि वो जो किसानों को लेकर एक एक मन में भाव था वो उस हिंसा को देखकर अलहदा होने लगा था, और वो दोबारा ये काम नहीं होते हुए देखना चाहेंगे या नहीं चाहेंगे कि वो तमाम किसान आंदोलनकारी जो इस वक्त सड़कों पर निकले हैं उनमें से कोई भी ऐसा हिंसक हो पाए। और हमें ये भी पता है कि यहाँ ऐसी बहुत सी शक्तियाँ हैं जो इस किसान आंदोलन का नाजायज फायदा उठाने की कोशिश करेगी। किसान के साथ पूरा हिंदुस्तान है, क्योंकि अगर वो अन्न नहीं उगाएंगे, अगर वो सब्जियां, अगर वो धान, अगर वो दालें तिलहन, अगर वो फल फूल नहीं उगाएंगे तो हिंदुस्तान प्रगति नहीं कर सकता है। लेकिन ऐसे में किसानों को बरगलाकर कई ऐसी शक्तियां हैं जो कोशिश कर सकती है कि हिंदुस्तान में हालात खराब हो। और ये मत भूलिए कि अब भारत जो है वो चुनावी मोड में आ चुका है, मेरे ख्याल से 100 दिन से भी कम वक्त बचे हैं, और ऐसे में जब ये आंदोलन होगा तो हर कोई फूंक फूंक कर कदम रख रहा होगा। वो तमाम लीडर्स भी जो किसान आंदोलन के चेहरे हैं वो भी जानते हैं कि ऐसा ना हो कि कहीं वो तमाम मांगे जो मांग रहे हैं उसका पूरा हिंसा की वजह से पूरा का पूरा 360 डिग्री उसमें परिवर्तन हो जाए, उसमें बदलाव आ जाए। और दूसरी तरफ सरकार भी बहुत ही इत्मीनान से वो भी फूंक फूंक कर कदम रख रही है, क्योंकि पिछली बार जो हुआ था ये दोनों के लिए घाव सरी का था, और ऐसे में दोनों ही पक्ष ये कोशिश करेंगे कि बातचीत का सिलसिला खत्म ना हो। एक बार फिर से सरकार ने पहल की है और ये कहा है कि हम पांचवें दौर की बैठक को तैयार हैं, आए किसान नेता हमसे बात करें, और बाकायदा टॉपिक तक कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा की तरफ से मेंशन कर दिया गया है। हम रुक रहे हैं लेकिन खबरें लगातार न्यूज 18 इंडिया पर जारी है।